तो आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ही होगा कब लॉन्च हो रही है फायरबोल्ट की जो क्लिक वॉच है। देखो गाइज, क्लिक वॉच बहुत जल्दी आने वाली है, 20 तारीख तक होपफुली आ जाए सेल पे, और 20 तारीख को ही आपको रिव्यू मिल जाएगा हमारे चैनल पे ठीक 12 बजे। तो गाइज लुक और फील कैसा मिलेगा? जो 4G प्रोवाइड थी ना उस तरीके से लुक मिलेगा, ऊपर को स्ट्रेच कर दो और कैमरा ऐड कर दो, बस बन गई आपकी क्लिक वॉच। तो चलिए बात करते हैं क्लिक को कंपेयर करते हैं ओरेकल वॉच और देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सी मिलती है आपको। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लिक से बेटर ओरेकल है, क्यों मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले की बात करेंगे। तो ओरेकल में और क्लिक में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ओरेकल में आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है 60 हर्ट्स वाली, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। बट क्लिक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि काफ़ी बेटर है, फार बेटर है ओरेकल से। ओरेकल तो पास भी नहीं दिखती यहाँ पे, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले काफ़ी अच्छी रहती है, डीपर ब्लैक्स, पंची कलर्स, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है इसकी। तो गाइस ओवरऑल मैं कहूँगा डिस्प्ले क्वालिटी में क्लिक बहुत ही बेटर है ओरेकल से, नो डाउट। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिसप्रिंट हो गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में से किसी में नहीं मिलती, रेस टू वे एक ही मिलता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो, AMOLED डिस्प्ले वाली वॉचेस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे इनेबल करना है आपको थ्रू द एप्लीकेशन। तो वो वीडियो जाके देख लेना अगर आपको चाहिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपकी स्नैप 4G वॉच में या आने वाली क्लिक वॉच में। क्लिक वॉच में भी आपको रेस्ट हुए की मिलने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। फ्लैट ग्लास डिज़ाइन आपको दोनों में देखने को मिलता है। और एक्कल की अगर हम बात करें, ये भी आपकी एक तरीके से कह सकते हो एप्पल और सीरीज अल्ट्रा की पूरी कॉपी लगती है देखने में। क्लिक डिफरेंट है, एप्पल की कॉपी नहीं लगती, अलग ही लगती है, स्पोर्टी प्लस रगेड फील मिलता है। और एक आपकी एक कह सकते हो फॉर्मल लुकिंग टाइप की वॉच है अल्ट्रा लुक में। उसी के साथ साथ यहाँ पे शार्पनेस की बात हम करें तो क्लिक डेफिनेटली आगे निकल जाती है, शार्पनेस क्लिक की बेटर मिलती है, और पीक ब्राइटनेस में क्लिक ही स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगी क्योंकि AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी में ऑल एंड ऑल विनर है क्लिक। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की। तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, और इवन ओरेकल के लिए तो मोबाइल असिस्टेंट भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप नोटिफिकेशन वॉच के फ़ोन में ले पाओगे, मतलब फ़ोन के वॉच में ले पाओगे। क्लिक में भी सेम आपको मोबाइल असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन सारे फ़ोन के वॉच में ले पाओगे। बट ये है कि यहाँ पे कॉलिंग फीचर सपोर्ट नहीं करता, ना ही कोई क्लोनिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिसकी वजह से फ़ोन की जो सिम है वो क्लोनिंग करके वॉच में चल जाए, ऐसा कोई नहीं है ऑप्शन। तो ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है दोनों ही वॉचेस के लिए कहीं ना कहीं। दोनों में नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएंगे बट ब्लूटूथ कॉलिंग को इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको रन करनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको या तो फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करना पड़ेगा या तो प्रॉपर एक सिम डालनी पड़ेगी अलग से बाय करके, उसका अलग से खर्चा रिचार्ज का, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो मल्टीपल स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं, इवन तो आप अलग से गूगल फिट भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको वैरायटी चूज करने के लिए मिल जाता है, ऐसा चीज़ में कोई वो नहीं है। IP67 की रेटिंग मिलती है। अब ये है कि दोनों में से कोई सी वॉच हैवी रेनिंग के लिए नहीं बनी है, बट स्लाइटली मैं कहूँगा क्लिक मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ क्लियरली मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से रिव्यू देने के लिए, तो बहुत जल्दी रिव्यू मिलेगा आपको। बट ये है कि क्लिक का स्लाइटली बेटर आपको मिलता है, जहाँ पे सिम डालते हैं ना वो ज़्यादा स्नग फिट है, ज़्यादा मतलब अच्छे से वो रहता है और बाहर निकलने का चांस नहीं है, और पानी अंदर जा नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि ऊपर की साइड से रिंग दी गई है। रिंग ऑल दो ओरेकल में भी है बट ओरेकल का जो वो थोड़ा सा हल्का सा लूज है एज़ कम्पेयर टू क्लिक। अब बात आती है एक्यूरेसी की। यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से किसी में नहीं मिलेगी, मैं क्लियर बता दूँ आप सभी को। एक्यूरेसी के मामले में अगर चूज़ करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइड है दोनों में ही, और यहाँ पर ये फीचर रिच वॉच है, एक्यूरेसी वाली वॉच नहीं मिलेगी आपको दोनों में से कोई सी भी। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, 4G नैनो सिम सपोर्ट, मोबाइल असिस्टेंट मिल जाता है दोनों में ही, और इवन क्लिक में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है जो कि है कैमरा, जो कि आपको ओरेकल में नहीं मिलता। अब कैमरे से आप क्या क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल्स ले सकते हो, उठा सकते हो, कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हो, फोटो वीडियो बना सकते हो, है ना, लाइव जा सकते हो, स्नैपचैट पे लाइव जा सकते हो, तो गाइस बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, QR कोड पे पेमेंट कर सकते हो, कैमरा का फ़ायदा ही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते हैं, स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे, नैनो सिम फिजिकल नैनो सिम सपोर्ट करती हैं दोनों ही वॉचेस। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ रहेगा, यहाँ पे लैग वैग आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा क्या मतलब नहीं मिलेगा आपको। और एक प्लस पॉइंट क्लिक में और भी है कि यहाँ पे 4/64 का वेरिएंट मिल जाता है और ज़्यादा स्मूथ चलेगी 2/16 से, और एकल में एक ही वेरिएंट आता है 2/16 वाला, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। अलार्म क्लॉक, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें, यहाँ पे कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, सिमिलर ही ब्लूटूथ 5.0 दिया गया, ओल्ड दिया गया है। यहाँ पे कनेक्टिविटी वही है कि मतलब उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, बट ये है कि ठीक है आपने हाथ पे वॉच पहन रखी है, बर्ड्स को कान में पहन रखा है तो उतनी दूर से पकड़ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने
फर्स्ट फ्लोर पे आप गाने सुन रहे हो, वॉच रख रखी है सेकंड फ्लोर पे, तो इतना तो यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी बेटर नहीं मिलेगी आपको, क्लियर कर दूँ। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा और चीज़ों की बात करते हैं, म्यूजिक स्टोरेज, म्यूजिक कंट्रोल, 16 GB बिल्ट इन स्टोरेज, वॉइस असिस्टेंट, टीडीएस पेयरिंग का ऑप्शन, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन, नैनो सिम, GPS, मोबाइल असिस्टेंट, ये सब चीज़ें दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा क्लिक में कैमरा और ऐड कर लो आप। एक एंड्रॉयड रिस्ट फ़ोन है आप कह सकते हो, और नोटिफिकेशन रिसीव करने वाला एक फिटनेस वॉच भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो देखो हार्डवेयर वाइज क्लिक ही आगे निकल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करें तो 4x मेनू स्टाइल मिलते हैं आपको ओरेकल में, क्लिक में 3x मेनू स्टाइल मिलते हैं, आई वॉच वाला इंक्लूड है, यस आई वॉच वाला मेन्यू भी मिल जाएगा देखने के लिए। एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है ओरेकल में, आपको यहाँ पे टॉगल मेन्यू को देखने के लिए होम पे जाना पड़ता है, बट क्लिक में किसी भी टाइम किसी भी ऐप में आप ऊपर से बैटरी चेक कर सकते हो, ऊपर से सेटिंग में जा सकते हो, ऊपर से टॉगल मेन्यू ओपन हो जाता है और मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो बेटर मिलता है क्लिक में। ओरेकल में ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कारण है ओरेकल ना चूज़ करने का, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं देखूँ तो ओरेकल और ड्रीम में मैं ड्रीम को चूज़ करता, क्योंकि ड्रीम में फायरओएस मिलता है जो कि सेम आपको क्लिक में मिलता है, तो ये आपको बता दूँ। उसी के साथ साथ डबल बटन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, बट ओरेकल में एक प्लस पॉइंट है जो कि है रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन, जो क्लिक में नहीं मिलेगा आपको, जो ये प्लस पॉइंट है ओरेकल का, और क्लिक में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि गेस्चर का आप यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो ओरेकल में बहुत कम बैटरी मिलती है, मतलब आप एक दिन भी निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, 7-8 घंटे चलती है वॉच अगर आपने सिम डाल रखी है इसमें, स्टैंड बाय पे 2 दिन चल जाती है, 2 से 3 दिन, और लगातार यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो 2 घंटे चल पाती है। क्लिक आपकी स्लाइटली बैटरी चलेगी, लगातार वीडियो देखोगे 3-3.5 घंटे चल जाएगी, एक दिन पूरा आपको बैटरी बैकअप दे देगी ड्रीम वॉच की तरह, क्योंकि इसमें भी 1000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है स्नैप 4G की तरह। इवन जो स्नैप 4G जो है वो ड्रीम वॉच ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है, वही सेम आपको क्लिक में मिलेगा। 20 घंटे का रन टाइम मिलता है ओरेकल में बोला गया है, जो कि क्लिक में 30 घंटे का बोला गया है, ये है स्टैंड बाय टाइम बेसिकली, बट स्टैंड बाय में 30 दिन बोला गया एक्चुअली, स्टैंड बाय तो ये रन टाइम बोला गया है बेसिकली, तो रन टाइम इतना नहीं मिलेगा आपको, एक्चुअल यूजर्स में अलग ही होता है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में से किसी में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती आपको, और एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो सारी सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके 8-10 घंटे आपकी ओरेकल चलती है, क्लिक आपकी 20 घंटे तक चल जाएगी, बट ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ओरेकल आपकी 7-8 घंटे चल पाएगी, ये मिस प्रिंट हो गया, 14 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया, क्लिक में 14-15 घंटे चल जाएगी ये वॉच, क्योंकि ड्रीम की तरह बैटरी बैकअप मिलेगा आपको, स्नैप 4G की तरह मिलेगा। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और ब्रीद रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है, तो ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है मेन फीचर्स में अगर हम बात करें। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, देखो गाइस बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है, बट अगेन गाइस क्लिक थोड़ी सी रगेड फील के साथ आती है, स्पोर्टी फील भी देती है रगेड के साथ साथ, बट ओरेकल आपकी एक फॉर्मल लुकिंग वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है। इवन तो अल्ट्रा जरूर है, एप्पल की अल्ट्रा तो एक रगेड वॉच है, बट ओरेकल थोड़ी सी आपको सेंसिटिव लगेगी एज कम्पेयर टू क्लिक। वॉच का वेट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 42mm स्ट्रैप साइज है ओरेकल में, 42 से लेकर 45mm तक का स्ट्रैप आप चेंज कर सकते हो आफ्टर मार्केट का आप बाय कर पाओगे। क्लिक में तो यूनिवर्सल 22mm है, किसी वॉच का चल जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। TPU स्ट्रैप और स्टील स्ट्रैप में आती है ओरेकल, क्लिक आपकी एक ही स्ट्रैप में आएगी जो कि TPU या सिलिकन वाले स्ट्रैप में, ये लेदर स्ट्रैप में या मतलब चीन वाले स्ट्रैप में नहीं है, आप चाहो तो आफ्टर मार्केट का बाय करके यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक कलर के डायल के लिए आपको लेना चाहिए ब्लैक कलर का स्टील वाला स्ट्रैप। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं, देखो क्लिक में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, ऊपर की रिंग मेटल की जरूर दी गई है, बट बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, बैक पॉलीकार्बोनेट है। ओरेकल की अगर बात करें तो आपको डायल मेटल का मिलता है साइड फ्रेम जो कि है, बैक ग्लास टिक मेटल का मिलता है जो ग्लास का बना हुआ है, फाइबर टाइप का है। तो गाइज यहाँ पे ओरेकल बिल्ड क्वालिटी में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है, बट क्लिक आपकी इंपैक्ट तो सहलेगी, बट ओरेकल का जो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन है ऊपर की साइड से कोई रिंग विंग भी नहीं है, तो क्रैक हो सकती है फर्स्ट ड्रॉप से ही, बट क्लिक आपकी ड्रॉप से क्रैक नहीं होगी। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, तो ऑलमोस्ट दोनों का ही सिमिलर प्राइस चलता रहता है, मतलब क्लिक का तो लॉन्च प्राइस मेरे ख्याल से 4000 रुपये का रहेगा, 216 का, और 464 का आपका रहेगा 5000 रुपये के प्राइस मार्केट में। फायरबोल्ट की ओरेकल जो वॉच है वो तो आपको मतलब ऑन ऑफर ऑफर कई बार 3299 की भी गई है, कभी कभार अभी बिग ब्लेंड सेल जाएगी तो मेरे ख्याल से अगेन आपको 3200 तक की मिल जाएगी देखने के लिए। अब अभी जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है वो 4200 से लेके 5000 रुपीज़ चल रहा है। तो गाइस दोनों में से बेटर कौन सी है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना ओरेकल बेटर है, अब आपको यहाँ पे बताता हूँ ओरेकल में एंड्रॉयड वर्जन बेटर मिलता है, एंड्रॉयड 10 मिलता है, जिसकी वजह से ऐप सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा क्लिक से, कुछ 1 साल एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे चलाने का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बोल रहा था फायरबोल्ट ओरेकल बेटर है आपकी क्लिक से। बट अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ, बैटरी बैकअप की बात करूँ, कैमरा एडेड एडवांटेज, एमोलेड डिस्प्ले की बात करूँ, तो यहाँ पे क्लिक का जवाब नहीं, यहाँ पे फायरबोल्ट ओरेकल स्ट्रेट अवे हार जाती है।
बट ये कि अगर आपको स्लाइटली बेटर आपको सपोर्ट चाहिए तो ओरेकल के लिए जाना पड़ेगा, 1 साल एक्स्ट्रा आपकी एप्लीकेशन रन कर जाएगी। और आप सब लोग जानना चाहते हो कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, या मतलब अब मुझे नहीं पता कितने लोग जानना चाहते हैं, बट मैं बता देता हूँ आप सभी को, एंड्रॉयड 8.1 जो मिलता है आपको क्लिक में, वो आपको कितने साल तक सपोर्ट दे देगा। देखो एंड्रॉयड 6 वाले फ़ोन भी अभी भी चल रहे हैं, ये एंड्रॉयड 15 के ज़माने में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-4 साल तो आराम से आप एंड्रॉयड 8.1 को चला पाओगे, ठीक है। अभी या अगर मैं ज़्यादा बोल दिया तो 2 साल तो मेरे में आप समझ लो। अब 2 साल तक वॉच मेरे ख्याल से कोई इतना रखता नहीं है। मेरे पास एक रियलमी की वॉच थी, अमेज़फिट की वॉच थी, 1 साल बाद ख़राब हो गई थी वो। तो 2 साल कोई पर्सन 4 साल तक वॉच को चलाता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आने वाले टाइम पे 1 साल 1.5 साल में आपको बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस देखने को मिलेंगी। तो आप ये कंसिडर करके चलो, आप 1 साल तक वॉच को चलाओगे और उसके बाद मेरे ख्याल से बेच दोगे या मतलब कोई और वॉच बाय कर लोगे, तो 1 साल तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। वारंटी में भी है वॉच, है ना, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, तो आप यहाँ पर टेंशन फ्री रह सकते हो। बट ये कि कोई मेरे से पूछेगा 4-5 साल चलाने के लिए वॉच चाहिए और चल जाएगी क्या, तो मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद इतना अभी यूज़ नहीं किया जो मैं आपको बता सकूँ पहले ही, ठीक है। हाँ इतना कह सकता हूँ 6-8 महीने आराम से चलती है। उसके अलावा भी कई लोगों का मैंने रिव्यू देखा हुआ है, डेढ़ डेढ़ दो दो साल लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट ये कि बैटरी टाइम के साथ साथ कम होती आती है, कम चलेगी आपकी बैटरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एल्स तो गाइज मैंने आपको बता दी कंडीशंस। यहाँ पे विनर कौन सी, क्लिक विनर है डेफिनेटली यहाँ पे, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी डिपार्टमेंट में, और एंड्रॉयड वर्जन में ओरेकल बेटर है आपकी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।